तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं FC24 में वोल्टा फुटबॉल। तो वोल्टा फुटबॉल जिसको पता नहीं है वो है, मतलब ये नॉर्मल ग्राउंड में मैच जैसा वैसा नहीं है। इसमें 3 वर्सेस 3 या फिर 4 वर्सेस 4 ऐसे होता है, और छोटे ग्राउंड में होता है जो कि ब्राज़ील वगैरह और क्या केरला और तमिलनाडु उस टाइप के, मतलब फुटबॉल जो है जहाँ खेलते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे जगह पर खेलते हैं। तो आज हम वही खेलने वाले हैं, तो देखते हैं। तो ये मेरा कैरेक्टर है, मतलब मैं या चाहूँ तो मतलब मेरा टीम के साथ खेल सकता हूँ, नहीं तो मैं अपने कैरेक्टर, ये मेरा खुद का कैरेक्टर है जो कि एक ही होता है। तो कस्टमाइज, एक मिनट देख लेते हैं। प्लेयर बिल्ड, हाँ ये होता है क्या, मतलब जैसे एट्रीब्यूट वगैरह होता है, तो स्किल पॉइंट्स, खेलने से स्किल पॉइंट्स मिलता है, उससे ये सारा कुछ मतलब बढ़ा सकते हैं। मैं एक अटैकर हूँ, तो मेरा मतलब अटैक का पूरा सब कुछ हो गया है, लेकिन ये देखो पूरा गोल्ड हो गया, 94 टोटल ओवियर हो गया, और ये होगा मिडफील्ड हो गया, और ये हो गया डिफेंस। तो डिफेंस का थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि डिफेंस का इतना ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। तो ठीक है, डिफेंस थोड़ा बढ़ा लिया है मैं, और चेंज आउटफिट भी, मतलब इसमें आउटफिट भी चेंज कर, ये जो है 4 5 प्लेयर हैं, ये मेरे टीम का है प्लेयर, मतलब जो भी है, मतलब अगर पूरे साथ में खेलने जाऊँ तो 5 खेलते हैं, नहीं तो 3v3 भी होता है, 3 वर्सेस 3। ठीक है, और ये हमें एक शूज़ मिला है, तो इसको ही पहन के खेल रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर भी चले, कोई बात नहीं। यस, तो गाइस मतलब ये जो होता है, ये मतलब मी वर्सेस AI होता है। ठीक है, तो मतलब ये भी खेल सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्लेयर के साथ नहीं खेल सकते, खेल सकते हैं, लेकिन इसमें मतलब गेम स्टार्ट होने में प्लेयर के साथ बहुत टाइम लगता है, तो मी वर्सेस AI खेल लेते हैं। और इसमें क्या ऐसे तैसे, ये देखो चेंज मोड, आर्केड मोड है बैटल से, तो इस बैटल्स में हम खेलते हैं, तो ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। अगर मैं बोले ना, 3 दिन में खेला हूँ लगातार यही खेल रहा हूँ, तो सोचा एक बार रिफ्रेश मार देते हैं, क्योंकि नया टीम आएगा। तो नया टीम में किसके साथ खेलें, कहाँ पर खेलें, यहीं पर खेलते हैं, ये मैंने खेला नहीं। तो इसमें है मतलब ये सारी डिफिकल्टी है, अमेरेटर और सेमी प्रो, प्रोफेशनल, वर्कलेस, लेजेंडरी। मैं तो प्रोफेशनल नहीं है, मेरा योर डिफॉल्ट लिखा है, मतलब क्या सेमी प्रो, तो मैं सेमी प्रो में ही खेलता हूँ। प्रोफेशनल भी खेल सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा प्रैक्टिस नहीं है ना, तो इसीलिए। तो प्लेयर्स अब्तर और प्लेयर्स टीम है, मतलब प्लेयर्स टीम मतलब पूरे टीम को मैं कंट्रोल करूँगा, और प्लेयर आज अब्तर मतलब ये जो बीच में जो है वो सिर्फ उसको ही मैं कंट्रोल करूँगा, तो मैं प्लेयर्स अब्तर ही खेलता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। और इसका मतलब सिर्फ नहीं कि ऐसा, ये देखो ये हो गया दूसरा टीम, और मेरा टीम भी अभी आएगा, ये देखो ये है मेरा टीम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ यही वाला है, इसको मतलब या हम चाहें तो इंटरनेशनल टीम के साथ भी खेल सकते हैं। 1 मिनट, हमें एक गोल मार दे पहले। अबे यार कहाँ मार दिया भाई, बहुत दूर मार, अबे भाई इतना जल्दी कंसीड नहीं करना था। चलो बॉल मिल गया, अरे मार दे भाई। ओके, तो इसमें गोल करना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन मुश्किल भी इतना नहीं होता। ठीक है, अगर प्लेयर्स, उनका प्लेयर सारे इधर आ जाए हमारे साइड में, तो मतलब गोल करना ऐसे भी बहुत आसान है। मर गया भाई, मर गया, और इसमें फाउल वगैरह कुछ नहीं होता, वो सबसे, मार दे मार दे, मतलब इसमें असिस्ट वगैरह भी कुछ नहीं होता, सिर्फ गोल मारना होता है। अगर गोल मार दिया तो मतलब MVP आप बन जाओगे, नहीं तो जो ज़्यादा गोल मारेगा वही बनेगा MVP। चलो, यस यस यस, 3-1। तो इसके बाद मैं प्रोफेशनल में भी खेल के दिखा दूंगा आपको, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं गोल नहीं मार पाता, गोल मार पाता हूँ, लेकिन फिर हमारा टीम जो है ना वो इतना ज़्यादा, 1 मिनट, अबे कहाँ मार रहा है भाई इतना दूर, हमारा टीम इतना क्या अच्छा नहीं है ना। मेरा सिर्फ 93 ओवियर है, नहीं तो बाकी सबका क्या, ये तो गोल है, 93 ओवियर है, लेकिन बाकी सबका 74 75 ऐसा ही है। तो इसीलिए मतलब जब हम खेलते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन
प्रोफेशनल डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि वन साइडेड तो वो नहीं जीतते, हम भी मतलब खेल के। अबे नहीं कोई बात नहीं, 4-2 ही तो हुआ है ना, इतना अभी कुछ बड़ी बात नहीं है। ओ हाँ, इसमें एट्रीब्यूट भी है, जैसे एक मिनट में दिखा रहा हूँ। ये जो पिंक कलर घूम रहा है ना, इसको अगर मतलब ऑन कर दिया तो बहुत स्पीड से गोल जाता है, तो नेक्स्ट मैच में वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पर तो हम 5-2 से जीत गए हैं, और देखते हैं कौन है एमवीपी। अच्छा हम ही है एमवीपी डिफेंडर, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारा डिफेंड कर लिया इसलिए हम ही है। और हमारा लेवल 4 हो गया, हाँ लेवल 4 हो गया, तो एक स्किल पॉइंट्स भी मिला है। तो कहाँ खेले, यहाँ पर खेलते हैं, और ये मैं प्रोफेशनल डिफिकल्टी में ही खेलूँगा क्योंकि इसे। और यहाँ हाँ, ये वाला जो वाइट कलर है, वाइट कलर जो टी शर्ट है, वो हमारा गोलकीपर है, बाकी हम सब अटैकर डिफेंडर है। तो मैं प्लेयर्स अवतार ही खेलता हूँ, तो वही खेलेंगे। और प्रोफेशनल डिफिकल्टी है तो देखता हूँ कैसे खेला होता है कि नहीं, मतलब बहुत मुश्किल है लेकिन, ये तो बात है। ब्रावो वर्सेस सेट्रो, लेट्स गो। चलो चलो चलो, हो गए, चलो चलो भाई, गोल हो गया, पहले ही बार में गोल कर दिया। ओके और एक बार, ये भी मारा था लेकिन क्या हुआ पता नहीं। मार दे मार दे, अरे यार चलो, एक कंसर्ड नहीं हुआ, वो बड़ी बात है। मतलब इसमें लेकिन आसानी से कंसर्ड हो जाता है, इतना मतलब कुछ मुश्किल ही नहीं है ना कंसर्ड करना इसमें। मार दे, अबे यार, और किसको देते हैं, चलो अबे यार, वन जीरो है अभी तक और मुझे जाना ही पड़ेगा। ये देख रहे हो ना, मतलब प्रोफेशनल, ओ भाई पेनल्टी इसमें इतना आसान होता है क्या, मुझे नहीं पता था। ओ हाँ, ये जो एट्रीब्यूट है देखो, मेरा पिंक कलर हो गया ना अब, मतलब मैं जो भी मारूंगा वो बहुत स्पीड से जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है इसमें, लेकिन ये एक मेन है जो कि हम मतलब सारे यूज़ करते हैं बोलने जाऊँ तो, क्योंकि स्पीड से जाना वो बड़ी बात रहता है। नहीं भाई चल चल चल, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे स्पीड से जाता है, बहुत स्पीड से जाता है अगर मैं बोले यहाँ, ये देखो मतलब नॉर्मल पेस से बहुत ज्यादा जोर से जाता है। पकड़ ले पकड़ ले, अबे ऐसा कौन पास करता है भाई, नॉर्मल पास कर देता। अब देखो ये कंसिडर कर लेंगे फिर से, नहीं 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 चलो चलो, अबे यार थोड़े से बच गया, और एक गोल था नहीं तो। मार दे, चलो बाहर है बाहर है, 2-1 हुआ है अभी तक, 5 कर देते हैं तो जीत जाते हैं, लेकिन अगर नहीं होता टाइम खत्म हो जाता है तो। अबे यार लेफ्ट फुट से मार दिया इसलिए चला गया बहुत दूर। कर ले भाई डिफेंस, अबे कहाँ, इधर खड़ा होकर कौन मारता है भाई इतना दूर। पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, ओ भाई बच गए भाई, थोड़े से बच, मार दे, अरे यार छोड़ो कोई बात नहीं।
चलो फिर से मिल गया। ओके, फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, ठीक है, और हम एक लीड में हैं, मतलब 2-1 है और हमारे 2 उनका। ये देखो मेरा टीम है, मैं सिर्फ 94 का अटैकर हूँ और ये सारे मिडफील्डर, ये सारे मुझे पता नहीं मतलब कैसे ग्रो करते, मतलब कैसे इसका बढ़ाते हैं, तो इसीलिए मुझे पता नहीं, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और कोई खेल आए तो किसको बताओ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, क्योंकि मुझे पता नहीं, तो मैं सिर्फ मेरा प्लेयर का ही बढ़ा देता हूँ और किसी का पता ही नहीं मुझे, तो फिर मैं क्या करूँ। मार दे अबे यार, ये इतना धीरे मारेगा तो कैसे होगा भाई। नहीं बच गए, चलो चलो चलो। ओ अच्छा था, अच्छा था। चलो मिल गया। अबे ये तो हो जाएगा शायद, नहीं भाई फिर से। अबे बच गए बच गए बच गए। चलो मार दे। अबे मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूं उसे, ये पता नहीं इतना धीरे क्यों मार रहा है भाई। आओ भाई छोड़ो, कोई बात नहीं। भाई थोड़ा सा ऊपर से चला जा रहा है यार, मार दे छोड़ो। हाथ लगा दे रहा है भाई। अबे यार जब मारना था तो मतलब डिफेंड हो गया। बच गए बच गए, कोई बात नहीं। चलो चलो चलो। हाँ मैं स्किल मूव कर रहा हूँ लेकिन भाई ऑलमोस्ट जीत गए थे यार। मार दे, यस 3-2 हो गया। और इतना टाइम भी मुझे नहीं लगता है, और कितना टाइम है, और 1 मिनट है भाई। बच गए बच गए। यस और एक गोल। चलो 5-3 हो गया आई थिंक। वो बढ़िया डिफेंस। अबे यार फिनिश नहीं, 4-2 है, 4-2 हुआ है, तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी जीत जाएंगे। और सिर्फ 34 सेकंड्स बाकी हैं। ओ ये भी गोल था लेकिन हाथ मार दिया है। चलो दे दे। पकड़ ले भाई। ओ बच गए। अबे यार थोड़ा थोड़ा सा बच रहा है भाई वो। अरे मैंने गोलकीपर को यहां पर बुला लिया। मार दे, अरे इतना धीरे मारेगा तो कैसे होगा। चलो जीत गए।
लेकिन पता नहीं एमवीपी कौन है, शायद हम है, देखते हैं कौन है। अच्छा हम ही है। क्या कर रहे हैं भाई, मिडफील्डर, ठीक है हम ही है। चलो हो गया, दो स्किल्स पॉइंट भी मिले हैं, तो देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम यूज भी कर लेंगे, क्या पता। अगर किसको मतलब पता हो ना कि मतलब अलग प्लेयर को कैसे करते हैं ठीक से। एडिट अफ्तर क्या है? ओ अच्छा, कुछ मिला है हमें, कैप मिला है, कैप नहीं मतलब एक कुछ तो मिला था, कहाँ गया, ये रहा, ये मिला था, लेकिन ये इतना ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो मेरा बाल ही मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो ये नहीं लगाऊंगा, ये ही अच्छा है, ये मेरा बाल से पूरा सूट भी करता है। तो चलो बैग चलते हैं, दो स्किल्स पॉइंट मिले हैं लेकिन इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ नहीं तो यहाँ पर आ जाता ना, प्लेयर बिल्ड में आ जाता, अगर यूज़ कर सकते थे तो यहाँ पर आ जाता। दो स्किल्स पॉइंट किस कोई काम का नहीं है ना, तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, तीन या फिर चार लेना पड़ेगा तो फिर होगा। तो अगर किसी को पता हो कि बाकी प्लेयर को मतलब कैसे अपग्रेड करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बता सकते हो। तो इस बार आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।